13 अक्टूबर को ग्राम चेचान मेटा में दशहरा उत्सव के दौरान साझा एमएलए ईश्वर साहू के बेटे कृष्णा साहू और आदिवासी समाज के युवक मनीष मंडावी के बीच किसी बात को लेकर मारपीट हो गई। मामले में आदिवासी समाज के युवक मनीष मंडावी ने साझा थाना आकर लिखे सूचना दी, जिसमें बताया गया कि कृष्णा साहू ने उसके साथ गाली गलौज की और हाथ में पहने कड़े से मारपीट की। साथ ही जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए गाली गलौज किया गया। 15 अक्टूबर को आदिवासी समाज बेमित्रा कलेक्टर रणबीर शर्मा और पुलिस अधीक्षक रामकृष्ण साहू से मिलने पहुंचे और मामले में कार्रवाई को लेकर ज्ञापन सौंपा। आदिवासी समाज के लोगों ने बताया कि पुलिस में शिकायत के बाद भी विधायक के आरोपी बेटे के खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई नहीं की गई। आदिवासी समाज ने केस दर्ज नहीं करने पर आंदोलन की चेतावनी दी। शासन प्रशासन के लोग भी कॉम्प्रोमाइज के लिए दबाव बनाने के लिए पीड़ित पक्ष को उसके घर से उठा लिया गया था। हम लोग 2 दिन से यहाँ चक्कर काट रहे हैं, यहाँ संबंधित अधिकारी लोग ही मिले हुए हैं, हैं? और पीड़ित पक्ष को न्याय मिले ना मिले इससे उनको कोई तात्पर्य नहीं है। और जो मार खाया है, गंभीर चोट है, वो किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। ये या तो विधायक महोदय जी का दबाव रहा होगा, या प्रशासन के और अधिकारियों का दबाव रहा होगा, या स्टेट स्तर पर जो भी संबंधित होंगे उनका दबाव रहा। आदिवासी समाज की सामाजिक पदाधिकारी महिला ने बताया कि 2 दिन से समाज के लोग थाने के चक्कर काट रहे थे। काफी दबाव बनाने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया। हमारी मांग है कि मामले में निष्पक्ष कार्रवाई करें और आदिवासी समाज को न्याय दें। आदिवासी समाज के एक अन्य पदाधिकारी ने बताया कि शासन प्रशासन की तरफ से पीड़ित पक्ष पर दबाव बनाया जा रहा था, पीड़ित पक्ष को घर से उठा लिया गया था। विधायक और प्रशासन स्तर पर दबाव के कारण मामले में केस दर्ज करने में देरी की गई। हम लोग यहाँ दशहरे की रात में चेचान मटा में जो मारपीट का घटना घटित हुआ है, हमारे भाई मनीष मंडावी के जो बड़े भाई है उनके ऊपर, तो उसके न्याय के लिए FIR करना चाह रहे थे। 2 दिन से समाज के लोग यहाँ साझा थाना के चक्कर काट रहे थे, फिर भी से FIR नहीं हुआ था। तो आज कहीं जाके समाज के दबाव में कहो या मीडिया के दबाव में आज यहाँ पर FIR दर्ज किया गया है। और हम शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि हमें जो संतुष्टि मिले, इस प्रकार से निष्पक्ष होकर पूरे कार्यवाही की जांच करें और हमको न्याय मिलना चाहिए। यही मारपीट की घटना के 2 दिन बाद केस दर्ज करने को लेकर साझा थाना प्रभारी चंद्रदेव वर्मा ने कहा कि FIR दर्ज की गई है, गवाहों का बयान लेकर मामले में आगे कार्रवाई की जाएगी। वर्मा ने बताया कि 14 अक्टूबर शाम को प्रार्थी ने लिखित आवेदन दिया था। इस संबंध में जांच के लिए 15 अक्टूबर सुबह संबंधितों को नोटिस जारी किया गया था। थाना में उपस्थित होने के बाद अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। साझा थाना की पुलिस ने धारा 296, 115(2), 351(3), 35 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के तहत कृष्णा साहू और अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। बेमित्रा से तोमेश्वर खरे की रिपोर्ट। आज FIR पंजीबद्ध किया गया है, गवाहों के बयान दर्ज किए जाएंगे, जैसे जैसे उसमें साक्ष्य प्राप्त होंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। आखिर 2 दिन क्यों लग गया इसमें? दिनांक 14/10/2024 के शाम के समय प्रार्थी पक्ष द्वारा एक लिखित आवेदन दिया गया, जिस संबंध में जांच हेतु आज उनको प्रातः नोटिस दिया गया था, उपस्थित आने पर अग्रिम कार्रवाई की गई।